प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। झारखंड में शुक्रवार को 46 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 522 हो गई। पॉजिटिव मरीजों में हजारीबाग से 10, रामगढ़ से 9, कोडरमा से 7, जमशेदपुर से 15, धनबाद से 3 और बोकारो से 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी जिलों के उपायुक्त ने रिपोर्ट की पुष्टि की है, साथ ही स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने भी इसकी पुष्टि की है। अब राज्य में 522 कोरोना पीड़ित हैं, इनमें से 300 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक हैं। झारखंड में शुक्रवार को सरकारी लैब में 1550 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 43 पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं प्राइवेट लैब में 26 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 2 पॉजिटिव मामले सामने आए। झारखंड में 31 मार्च से अब तक 59,452 मामलों की जांच की गई, जिसमें कुल 522 पॉजिटिव मामले सामने आए। सबसे पहला मामला रांची के हिंदपीढ़ी से 31 मार्च 2020 को सामने आया था। तब एक विदेशी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा, पहली प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य और रोजगार है। लोग ठीक होंगे तभी आगे बढ़ा जा सकता है। स्थिति की समीक्षा के बाद ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि जब तक राज्य का एक भी प्रवासी मजदूर किसी दूसरे प्रदेश में फंसा है, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। इस बीच प्रवासी मजदूरों का राज्य में आना लगातार जारी है। शुक्रवार को झारखंड के 60 प्रवासी श्रमिकों को लद्दाख से एयरलिफ्ट कर वापस लाया गया। सरकार अंडमान निकोबार जैसे दुर्गम इलाकों में फंसे श्रमिकों को भी एयरलिफ्ट करने की योजना बना रही है। बता दूं कि राज्य में पहले ही लॉकडाउन में काफी छूट दी जा चुकी है। होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, पार्क वगैरह को छोड़कर बाकी सभी दुकानें को खोलने की इजाजत दी जा चुकी है। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किराए की टैक्सी को भी अनुमति दी जा चुकी है। 2 दिन पहले ही सीएम ने ऐलान किया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में तमाम तरह की औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, निर्माण कार्य भी किए जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।